गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे अ शॉर्ट स्टोरी जिसको बहुत ही सिंपल वे में मैंने लिखा है, प्लस मैं हिंदी मीनिंग के साथ इसको समझाऊंगी। एंड किड्स, आप बार बार कहते हैं कि मैम आप मोरल नहीं लिखते, तो इस बार मोरल मैंने लिखा है और मैं पहले शो कर रही हूँ। मोरल है, इन यूनिटी लाइज द रियल स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है। आइए पढ़ते हैं स्टोरी। अ मैन हैड थ्री सन्स, एक आदमी के तीन बेटे थे। दे वर ऑलवेज क्वारलिंग विद वन अनदर, वो क्या करते थे, एक दूसरे से हमेशा झगड़ा करते रहते थे। द मैन फेल्ट डिसअपॉइंटेड सीइंग देम क्वारलिंग, जब वो झगड़ते थे तो वो आदमी बहुत ही निराश फील करता था। किड्स, किसी के भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे आपस में लड़ें, क्योंकि पेरेंट्स के लिए सभी बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो सभी बच्चों को इक्वली प्यार करते हैं, और अगर वो झगड़ते हैं तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वन डे ही गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, एक दिन उसने क्या किया कि अपने बच्चों को एक स्टिक्स का बंडल दिया, ठीक है, एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक द बंडल, और उनको कहा कि इस बंडल को तोड़ो। ईच ऑफ देम ट्राइड टू ब्रेक इट, हर एक बेटे ने, कितने बेटे थे उनके, तीन, तो तीनों ने ट्राई किया उसको तोड़ने के लिए, बट कुड नॉट ब्रेक द बंडल, लेकिन क्या हुआ, वो बंडल को नहीं तोड़ पाए। देन द मैन अनटाइड द बंडल एंड गेव देम ईच ऑफ देम अ स्टिक टू ब्रेक, तब उस मैन ने, उस आदमी ने क्या किया कि बंडल को खोल दिया और हर एक को एक सिंगल स्टिक दी तोड़ने के लिए। दे ब्रेक द स्टिक्स ईजली, तो उन्होंने क्या किया बच्चों ने कि अब सिंगल सिंगल स्टिक हो गई है, तोड़ना बहुत आसान हो गया है, तो उन्होंने उस स्टिक्स को ईजिली तोड़ दिया। देन द मैन टोल्ड दैट इन यूनिटी लाइज द रियल स्ट्रेंथ, तब उस आदमी ने अपने बच्चों को कहा कि एकता में ही शक्ति है, यानी कि अगर आप मिलजुल के रहोगे तो कोई थर्ड पर्सन आपका बुरा नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप लड़ते रहोगे तो कोई भी थर्ड पर्सन इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर आपका बुरा कर सकता है। तो हमेशा मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, और किसी भी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ का मजाक या फिर फ़ायदा मत उठाने दो। तो किड्स, आपके भी सिबलिंग्स होंगे, ब्रदर सिस्टर्स होंगे, तो हमेशा मिलजुल के रहना। थोड़ा बहुत क्वारल यानी कि हंसी मजाक का, किडिंग वाला सबके साथ चलता है, लेकिन किसी के लिए मन में, स्पेशली किडिंग्स के, सिबलिंग्स, किडिंग्स कह रही हूँ, सिबलिंग्स के लिए अगर मन में आप रखते हो कि कि जेलस रखते हो या फिर कुछ ऐसी भावना रखते हो जिससे बार बार लड़ाई होती है, तो बिल्कुल मत रखिए। फर्स्ट, आपके पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि आप लड़ते रहें अपने भाई बहनों के साथ, और पेरेंट्स सबके लिए गॉड हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। सेकेंड, अगर भाई बहन आपस में लड़ेंगे तो थर्ड पर्सन उसका फ़ायदा उठाएगा। तो मिलजुल के रहें, और थर्ड पर्सन से लड़ने की, और अगर वो कुछ गलत बात कह रहा है तो उसको हैंडल करने की पावर मिलजुल कर ज़्यादा बनेगी, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। वन टाइम हम स्टोरी और रीड करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन इस बार मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ओनली इंग्लिश रीड करूँगी, ठीक है। तो हमारी स्टोरी का टाइटल क्या है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है, एकता में बल है। इस स्टोरी को रीड करने से पहले मैं किड्स आपको कहना चाहूँगी, या फिर पेरेंट्स, कोई भी जो भी है मेरी स्टोरी देख रहे हैं, प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो लेट्स रीड द स्टोरी विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अ मैन हैड थ्री सन्स, they were always quarreling with one another. The man felt disappointed seeing them quarreling. One day he gave them a bundle of sticks and asked them to break the bundle. Each of them tried to break it but could not break the bundle. Then the man untied the bundle and gave each of them a stick to break. They broke the sticks easily. Then the man told them that in unity lies the real strength. So, moral is, in unity lies
द रियल स्ट्रेंथ। आई होप पेरेंट्स या फिर किड्स को जो भी मेरी स्टोरी देख रहे हैं उनको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो थम्स अप और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। बाय। हैव अ गुड डे।